will come, then I'll begin. जय गुरु जी, चवि जी, जय गुरु जी, आप सबको बहुत दिल से मेरा प्रणाम। देखिए, उस मालिक की कृपा से हम सभी फिर से मिल गए हैं, तो सभी आज बहुत दिल से प्रार्थना करेंगे अपने मालिक से कि वो हम सबको इस दुख की घड़ी से बहुत जल्दी बाहर निकाल दें और हम फिर से खुशी खुशी अपने जीवन को जीने लग जाएं। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तो हमें जरूरत है उस मालिक से प्रार्थना करने की, अरदास करने की। अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो इसी भावना के साथ सभी बहुत दिल से पुकारेंगे, क्योंकि अगर आज भी अब भी जो कंडीशन है हम सब की, अगर जरा सा भी कुछ इम्प्रूवमेंट ना हुआ तो हम सब की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस समय को वेस्ट ना करते हुए पूरे दिल के साथ अपने मालिक से, गुरुजी से, अपने परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ही हमें फिर से खुशी खुशी जीवन को जीने के रास्ते दिखाएं। आंखें बंद करेंगे, विश्वास है कि वो हमारी जरूर सुनेगा। जी बनना पूरिया
सहज से अणपालक होण ताहिक न चलना कि विसच यार हुई नानक लिखिया। सभी मेरे साथ जाप करेंगे, कुछ पल सरेंडर कर देंगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने इस देह को, उसको समर्पण करते हुए उस वाहेगुरु का जाप करेंगे सभी मिलकर। वाहेगुरु 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 वाहे गुरु
बन जाता है, एक वाइब्रेशन बन जाती है पॉजिटिविटी की। और कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी हो, इसी तरह का भी दुख हो, कभी भी हमारे पास नहीं आता। कनेक्शन है हमारा इतने दुखों में भी अपने सद्गुरु के साथ, उसको दिखाया गया है। तो आज हम सबकी जो हालत है वो भी इस शब्द के जरिए हम बयान कर सकते हैं अपने ईश्वर को। बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिवार के मेंबर्स जो हैं उनके दूर हो चुके हैं उनसे, और बहुत से लोग हैं जिनके घरों में ये बीमारी आ चुकी है। तो आज इस घड़ी में हम सभी मिल के प्रार्थना करेंगे उस मालिक से कि वो हम सब के ऊपर कृपा करें। कर कृपा तेरे गुणगान
आशीर्वाद है मुझे मिल रहे हैं आपके कमेंट्स के जरिए।
आपको ऐसा लगने लगे कि हर तरफ कोरोना है, हर तरफ ये बीमारी फैल चुकी है, तो साथ के साथ खुद को ये याद दिला देना है कि अगर हर जगह है ये बीमारी, हर जगह है, तो हमारा भगवान भी हर जगह है और वो इस बीमारी से ज्यादा शक्तिशाली है। और एक दिन मेरा विश्वास है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं चाहती हूँ आप सभी भी इसी विश्वास के साथ जिए। देखिए, हम कुछ भी सोचते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। देखिए, जब हम किसी भी नदी पे कोई कंकर फेंकते हैं तो उसकी जो वेव्स हैं पूरे पानी में आती हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे विचार हैं, हमारी एक सोच है, हमें लगता है कि हमारे सोचने से कौन सा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी हम सोचते हैं उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी जितने भी इस वक्त सत्संग में हम बैठे हैं, हम सभी ये वादा करें खुद के साथ कि आज से हमने ये विचार रखना है अपने मन में, सिर्फ ये सोचना है, चाहे हमारे आसपास सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी सिर्फ हमने अपनी सोच में ये लाना है कि कोरोना खत्म हो रहा है। और धीरे धीरे इसी विचार को हमने आगे बढ़ाते हुए सोचना है, कोरोना खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना ध्यान नहीं रखना। अपना ध्यान रखते हुए मन में अपने मन को हल्का रखने के लिए ये विचार लाना है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। देखिए, अगर हम इसकी अच्छाई की तरफ देखें तो बहुत से केसेस जो है ठीक भी हो चुके हैं, बहुत से लोग ठीक होकर घर भी आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ ठीक भी हो रहा है और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। उस मालिक से अरदास करते हैं कि वो हमारा साथ ना छोड़े। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसे है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम, कैसे है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही गहरा, तू ही सहारा, जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा, जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी, देना साथ हमारा, जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी, देना हमारा। हे मेरे मालिक, हम सबका साथ देना, हम सबके साथ रहना, हम सबके घर में विराजमान रहना, हम कभी भी अपने आप को इस दुख में अकेला न महसूस करें। सभी मिलकर उस मालिक को प्रार्थना करते हैं कि वो इस दुनिया के दुखों को काट दे। दुख कट दुनिया दे, वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे, वंड खुशियां खेड़े, अरदास मालिका चरणा विच तेरे, अरदास दातिया चरणा विच तेरे, दुख कट दुनिया दे, वंड खुशियां खेड़े, दुख कट दुनिया दे, वंड खुशियां खेड़े, हरिदास मालिका चरणा विच तेरे, हरिदास दातिया चरणा विच तेरे।
दास दातिया चरणा विच तेरे देखिए अरदास करें अरदास में बहुत शक्ति होती है मेरी यही दुआ है कि आप सबके घर में फिर से खुशियां आए आप सभी जो भगवान न करे जिनके घर में इस वक्त भी चल रही है ये प्रॉब्लम तो ये सब कुछ दूर हो जाए हम सभी मिलके ये दुआ करते हैं आप सबके लिए जो हालात आज हो चुके हैं हमारी लाइफ के उसके ऊपर आपको फिर सुनाना चाहूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है तुसे नारा नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तुसे नारा सही जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे
जिसमें लगाया जवानी का मेला, खुद जब तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काही को दुनिया बनाई तूने, काही को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने तेरे मन में समाई, काही को दुनिया बनाई तूने, काही को दुनिया बनाई। वाह गुरु बाबा, गुरु बाबा, गुरु बाबा, गुरु बाबा, गुरु बाबा, गुरु बाबा, बड़े आया तेरे मेरे सतगुरु जियो, की बड़े आया तेरे मेरे सतगुरु जियो, पीरा दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू नीर तू है, रूदा सल शरीर तू है, सब पहना दा शुरू भी तू आखिर तू है। गुरु बाबा, 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 गुरु रुख भी तेरे पत्ते तेरे, सभी मेरे साथ मिलके बोलेंगे, रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारे छते तेरे, रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारे छते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग सारे कत्ते तेरे, तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ले सत्ते तेरे। गुरु बाबा, 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 गुरु हर तन वस्त्र बाणे दिंदा, फूल सब डाले जाने दिंदा, हर तन नु वस्त्र बाणे दिंदा, फूल सब डाले जाने दिंदा, की गावा तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंज नु दाणे। गुरु बाबा, 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 गुरु। सभी आंखें बंद करके, बंद करके कुछ पल के लिए मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ। जो पल हमें मालिक ने दिए हैं, देखिए हम यहाँ बैठकर अगर कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो लोग इस वक्त बहुत दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं, अगर हम कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर बैठकर भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब के कुछ जो पल हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ आंखें बंद करके उन सभी लोगों के लिए
उस परमात्मा से दुआ करें, महसूस करें कि आप सबसे जो लोग इस वक्त दुख में हैं, उनको आशीर्वाद जा रहा है, आपकी पॉजिटिविटी उन तक पहुंच रही है। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, हमारे मालिक का आशीर्वाद हमसे गुजरते रहे, उन सब तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे सभी लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ पल के लिए इमेजिन ही करें, जो सोचेंगे वही होने लग जाएगा। तो इसी भावना के साथ आज इस विचार को अपने मन में लाएंगे। आज ये विचार है और कल हमारा मालिक जो है इस विचार को जरूर रूप देगा, जरूर इसको एक सच्चाई में ढाल देगा। महसूस करें सब कुछ ठीक हो गया है, फिर से सारी दुनिया आजाद हो गई है इस दुख से, सभी लोग अपने घर चले गए, सब खुश हैं। हमें किसी भी दुख का डर नहीं है, सबके अंदर उस परमात्मा का आशीर्वाद है, सबके घरों में खुशी है। इसी शांत मन के साथ खुद को और खुद के परिवार को ब्लेसिंग दें। जो कनेक्शन आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उसी कनेक्शन के होते हुए जो भी सोचेंगे वो सच हो जाता है। तो अपने गुरुजी से मांग लें कि गुरुजी ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, और हमारी तरह जो लोग इस वक्त आपका नाम नहीं ले पा रहे, इतने दुख में हैं कि उनको भगवान भी याद नहीं आ पा रहा, उनको सांसें दें, उनको जीवन दें, सबका परिवार सलामत रहे, सबके माँ बाप घर में आ जाए, सबके बच्चे घर पे हों। इसी भावना के साथ उस मालिक का शुक्र करते हुए हम सभी ऐसे ही अरदास करते रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका सत्संग में बने रहने के लिए। जय गुरु जी सलोनी जी, जय गुरु जी अंजू जी, जय गुरु जी शशि जी, पूजा जी, थैंक यू सो मच आप सबका बने रहने के लिए सत्संग में। ऐसे ही सभी इस दुख के दौर को जो है बिल्कुल भी ये सोच कर नहीं गुजारना कि हम अकेले हैं, हम सब साथ हैं। और मेरा विश्वास है हम जल्दी ही इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ इस समय को बहुत जल्दी ही निकाल लेंगे। तो कभी भी उदास नहीं होना, खुश रहना है और इस मालिक के ऊपर विश्वास रखना है। मिलते रहेंगे फिर दोबारा, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग लेके आऊंगी। तो थैंक यू सो मच।